जय हिंद डियर स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में पर्यटन स्थल के बारे में, जो हमारे आर्मी जीडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं ना कहीं हम लोगों को हर बार एक क्वेश्चन पर्यटन स्थल से देखने को मिलते हैं। आज के जो पर्यटन स्थल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आपको यहाँ दो यानी कि आपको ऑप्शन या चीज़ें मिलने वाले हैं। पहला, वो पर्यटन स्थल कहाँ पर है और दूसरा, उसको बनवाया किसने। तो पहले आपको बच्चों फोकस करना है कि वो पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है, क्योंकि अभी तक यदि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो हम लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा पर्यटन स्थल भारत में किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टोटली बच्चों किसके ऊपर फोकस होने वाला है, भारत में पर्यटन स्थल के ऊपर। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ क्लू के माध्यम से हम उनको याद रखने का प्रयास हम लोग करें। तो सबसे पहले हम महाराष्ट्र स्टेट में पहुंचे। महाराष्ट्र स्टेट में जब हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में यहाँ पर आपको कौन कौन से पर्यटन स्थल मिल रहे हैं। तो देखो, एक छोटा सा हम लोग क्लू बनाते, क्या कि एक गुफा थी जिसका नाम था कैनहरी। क्या नाम था उस गुफा का? कैनहरी। तो हम लोगों ने क्या बोला, आज मतलब हम याद रख लेंगे अजंता। ठीक है, आज हम लोगों ने कैनहरी की गुफा के बाहर क्या देखा, एक एलोरा का पौधा देखा। एलोरा होता है ना, एलोरा है ना, ग्वारपाटा आप लोगों ने देखा होगा, एलोरा। ठीक है, एलोरा का क्या देखा, पौधा। और अंदर जब हम देखने गए तो अंदर हमें एलिफेंट दिखा। क्या दिखा? एलिफेंट दिखा। क्या दिखा बच्चों? एलिफेंट दिखा। तो कैसे याद रखेंगे, आज हम लोगों ने कैनहरी की गुफा के बाहर एक एलोरा का पौधा देखा और जब अंदर देखी गुफा के अंदर तो एक एलिफेंट हाथी, एलिफेंट हम बोलते हैं ना, एलिफेंट बैठा हुआ था। ठीक है, तो क्या क्या बन गए यहाँ से, आज से बना लेंगे अजंता। क्या बना लेंगे? अजंता। कैनहरी नाम से समझ में आ रहा है, कैनहरी की गुफा। ठीक है, अगला हम लोग देखें एलोरा की गुफा और अजंता, एलोरा, कैनहरी के बाद में एलिफेंटा की गुफा। कौन सी गुफा? एलिफेंटा। वैसे भी काफ़ी सारे बच्चों को ये तो नॉर्मली आप लोगों ने कितनी बार कई सारे स्थानों पर पढ़े होंगे, कई सारे बुक्स में पढ़े होंगे। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कैनहरी, ये चारों कहाँ पर हो गए? ये महाराष्ट्र स्टेट में हो गए बच्चों। और महाराष्ट्र में भी यदि स्पेशली हमसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे कैनहरी की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफा मुंबई महाराष्ट्र में है, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एलोरा औरंगा महाराष्ट्र में है। यानी कि अजंता एलोरा दोनों कहाँ पर है? औरंगाबाद में। और एलिफेंटा और कैनहरी दोनों कहाँ पर है? मुंबई में है, है ना। कौन कौन सी? कैनहरी की गुफा और एलिफेंटा दोनों कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और अजंता और एलोरा दोनों कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनके निर्माण की हम बात करें बच्चों तो जो कैनहरी की गुफा उसका निर्माण करवाया बुद्ध के द्वारा। ठीक है, जो एलिफेंटा की गुफा उसका निर्माण करवाया गया राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, अजंता की गुफा का निर्माण करवाया गया गुप्त शासक के द्वारा और एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया गया बुद्धों के द्वारा, है ना। यानी कि बौद्धों के द्वारा कितने का निर्माण किया गया? दो, कैनहरी और एलोरा, कैनहरी और एलोरा। ठीक है, और राष्ट्रकूट और गुप्त के द्वारा एलिफेंटा और अजंता। तो आप लोग स्पेशली पहले क्या याद रखना है, पहले याद रखना है कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो आज हमने कैनहरी की गुफा के बाहर एक एलोरा का पौधा देखा और अंदर एलिफेंट देखा, अंदर एलिफेंट देखा। ठीक है, फिर वहाँ से जब हम और दूसरी जगह घूमने गए तो हम लोगों ने प्रवेश किया किस में? हम लोगों ने प्रवेश किया गेटवे ऑफ इंडिया से। किस से प्रवेश किया? गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश किया। गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश करने के बाद हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? तो आज हम लोगों ने देखा बच्चों क्या क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया महाराष्ट्र के अंदर क्या, सबसे पहले देखा हम लोगों ने आपका तारापुर का मछलीघर, तारापुर का मछलीघर सबसे पहले क्या देखा, तारापुर का मछलीघर देखा। तारापुर का मछलीघर देखने के बाद हम लोग महाराष्ट्र स्टेट में गए तो हम लोगों ने और क्या क्या देखे तारापुर का मछलीघर के बाद में, है ना। दूसरा हम लोगों ने बीवी का मकबरा, क्या देखा बच्चों? बीवी का मकबरा। और क्या देख लिया? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। तो याद कैसे रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया से हम लोग इंटर हुए, गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश कर करके हमने महाराष्ट्र में क्या क्या देख लिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम देखा, बीवी का मकबरा देखा, तारापुर का मछलीघर देखा, तारापुर का मछलीघर देखा। ठीक है, और एक हाईकोर्ट देखा, क्या देखा? हाईकोर्ट 1862। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आपके पर्यटन स्थल हो गए? तो सबसे पहले आज अजंता, कैनहरी की गुफा के बाहर एलोरा की गुफा, उसके अंदर एलिफेंट बैठा हुआ दिखा, एलिफेंटा की गुफा। कौन सी गुफा? एलिफेंटा। तो अजंता, कैनहरी, एलोरा, एलिफेंटा चारों हो गए। फिर गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश करके क्या क्या देखा? तारापुर का मछलीघर,
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और बीवी का मकबरा और हाईकोर्ट। क्या देखा? हाईकोर्ट। तो बच्चों नौ पर्यटन स्थल कहाँ के हो गए? महाराष्ट्र के। कौन कौन से जरा बता दीजिए जल्दी से। सर सबसे पहला हो गया अजंता, फिर कैनेरी, फिर एलोरा, फिर एलिफेंटा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश करने के बाद है ना प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, बीवी का मकबरा, तारापुर का मछलीघर, तारापुर का मछलीघर, ठीक है। यहाँ पर बात हो जाती है बच्चों महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र के बाद हम लोग जाएंगे तो अगला स्टेट कौन सा आएगा? अगला स्टेट आ जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। एक महाराष्ट्र में बच्चों अफगान चर्च और याद रख लेना, हाईकोर्ट और अफगान चर्च, हाईकोर्ट और अफगान चर्च भी हम लोगों को याद रखना है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब देखिए मध्य प्रदेश में हम लोग प्रवेश कर गए तो मध्य प्रदेश में कैसे याद रखना है? तो मध्य प्रदेश में याद रखना है कि मान जाओ मदन मृग नैनी से, मान जाइए मदन मृग नैनी से, मान जाइए मदन मृग नैनी से। नहीं तो कहाँ कहाँ घुमाना पड़ेगा? नहीं तो घुमाना पड़ेगा कंदारिया महादेव, है ना, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, छतरपुर मंदिर, छतरपुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, है ना, ओमकारेश्वर मंदिर, है ना, भीम बेटी का और सांची का स्तूप, सांची का स्तूप और धारका किला, धारका किला। मान जाइए मदन मृग नैनी से, किससे? मृग नैनी से। नहीं तो 64 योगिनी मंदिर, है ना, कंदारिया महादेव मंदिर, ठीक है, छतरपुर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर, है ना, सांची का स्तूप और भीम बेटिका का दर्शन करवाना पड़ेगा, भीम बेटिका का दर्शन करवाना पड़ेगा। याद रख लोगे क्या क्या? है ना, मान जाइए मदन यानी कि मान मंदिर, है ना, मदन महल, मृग नैनी का महल, है ना, और इसके अलावा हम लोग जाएंगे तो कौन कौन से? कंदारिया महादेव, है ना, खजुराहो छतरपुर, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, छतरपुर मंदिर, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर खंडवा, ठीक है, भीम बेटिका और सांची का स्तूप और धारका किला, धारका किला। ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल है बच्चों ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन कौन? एक बार फिर से सुन लीजिए, मान मदन मृग नैनी, ठीक है, याद रख लोगे क्या क्या? है ना, मदन महल, मृग नैनी का महल, ठीक है, धारका किला, कंदारिया महादेव, और कंदारिया महादेव के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन मिल जाएंगे हम लोगों को? मान मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विजय स्तंभ तो हम लोग देखेंगे राजस्थान में, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? मान जाइए मदन मृग नैनी से, मान जाइए मदन मृग नैनी से, नहीं तो किस किस के दर्शन करवाने पड़ेंगे? कंदारिया महादेव के, 64 योगिनी मंदिर के, छतरपुर के, ओमकारेश्वर के, महाकालेश्वर के, भीम बेटिका और सांची का स्तूप, भीम बेटिका और सांची का स्तूप, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ के हो गए? मध्य प्रदेश के हो गए बच्चों, ठीक है, याद रख लेंगे। मान मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश, संदेल राजाओं के द्वारा, और आगे हम लोग अगली स्लाइड में देख करके आए थे मदन महल, मृग नैनी का महल, धारका किला, ठीक है, और ओमकारेश्वर और महेश्वर और महाकालेश्वर, बच्चों ये भी याद रखना, ये भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। अब हम पहुंच गए बच्चों राजस्थान स्टेट में। कहाँ पर? राजस्थान स्टेट में, ठीक है। तो राजस्थान स्टेट में जब हम पहुंचे तो यहाँ पर एक छोटी सी हम लोग ट्रिक याद रखते हैं। छोटी सी ट्रिक में क्या याद रखना है? ढाई दिन का मेहनत करके, किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके विजय हम लोग पालेंगे, ढाई दिन का मेहनत करके, कितना दिन मेहनत करके? किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके, ढाई दिन मेहनत करके विजय पालेंगे, विजय पालेंगे, विजय पालेंगे, और फिर हम घूमने जाएंगे। कहाँ पर? फिर हम घूमने जाएंगे बच्चों कहाँ? हम लोग अन्ना सागर और फतेह सागर, अन्ना सागर और फतेह सागर, कहाँ घूमने जाएंगे? अन्ना सागर और फतेह सागर, अन्ना सागर और कहाँ घूमने जाएंगे? फतेह सागर घूमने जाएंगे, अन्ना सागर और फतेह सागर घूमने जाएंगे। तो देखो कैसे याद रखना है, है ना, किशोर सागर, किशोर अवस्था से किशोर सागर, ठीक है, ढाई दिन मेहनत मतलब ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, विजय मतलब विजय स्तंभ, विजय मतलब विजय स्तंभ, और कहाँ जाएंगे? तो अन्ना सागर जाएंगे और फतेह सागर जाएंगे,
ठीक है। तो देखो तीन तो सागर हो गए, किशोर सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर, ढाई दिन का झोपड़ा और विजय स्तंभ, ढाई दिन का झोपड़ा और विजय स्तंभ। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे बच्चों, एक बार फिर से देखिए, किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके विजय प्राप्त कर लेंगे, मतलब विजय प्राप्त करना मतलब हम लोग मान लीजिए हमने धन अर्जित कर लिया, और फिर हम कहाँ घूमने गए, हम घूमने गए अन्ना सागर और फतेह सागर, अन्ना सागर और फतेह सागर। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है किशोर अवस्था से किशोर सागर, ठीक है, ढाई दिन मेहनत मतलब ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, विजय स्तंभ मतलब विजय प्राप्त करना मतलब विजय स्तंभ, और कहाँ घूमने गए, अन्ना सागर और फतेह सागर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें, अगला हम लोग देखो यहाँ पर अगला हम लोग ट्रिक देखने जा रहे हैं बच्चों। अगले ट्रिक में हम लोग क्या बता रहे हैं, अगले ट्रिक में हम बता रहे हैं यहाँ पर कि रानी अपनी सहेलियों के साथ, ठीक है, अगली हम लोग ट्रिक क्या देख रहे हैं बच्चों, रानी है ना अपनी सहेलियों के साथ, रानी अपनी सहेलियों के साथ है ना मूसी रानी की छतरी के नीचे, मूसी रानी की छतरी के नीचे, मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर, मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर, नीचे छुपकर है ना जूनागढ़ के, जूनागढ़ के मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर जूनागढ़ के छत्रमहल, छत्रमहल, छत्रमहल और डिग महल, छत्रमहल और डिग महल पहुंच गई है ना, पहुंच गई है ना, जबकि वहां बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, जबकि वहां पर क्या हो रही थी, बहुत अधिक वर्षा, जबकि वहां पर क्या हो रहा था बच्चों, बहुत अधिक वर्षा। तो देखो क्या क्या बनाओगे इस सेंटेंस में, याद रख लोगे क्या बोला हमने, रानी अपनी सहेलियों के साथ मूसी रानी की छतरी के नीचे, मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर जूनागढ़ के, कहां के, जूनागढ़ के छत्र महल और डिग महल पहुंच गई, छत्र महल और डिग महल पहुंच गई। याद रखोगे क्या क्या, रानी अपनी सहेलियों के साथ में मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर जूनागढ़ के छत्र महल और डिग महल पहुंच गई, छत्र महल और कहां पहुंच गई, डिग महल पहुंच गई। तो देखो सबसे पहले है ना रानी की वाड़ी, कौन सी रानी, आप देखेंगे अगले उसमें हम लोगों को मिल जाएगा, फिर सहेलियों की बाड़ी, रानी की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है, फिर मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी के बाद जूनागढ़ का किला, कौन सा किला, जूनागढ़ का किला, छत्र महल और डिग महल, छत्र महल और डिग महल, छत्र महल और डिग महल। तो कौन कौन से पर्यटन स्थल याद रह जाएंगे, रानी की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी के बाद जूनागढ़ का किला, छत्र महल, डिग महल, छत्र महल और डिग महल। इसके पहले क्या बोला, इसके पहले बोला था किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके विजय स्तंभ पाकर कहाँ घूमने जाएंगे, अन्ना सागर, फतेह सागर, अन्ना सागर, फतेह सागर। फिर क्या बोला, रानी अपनी सहेलियों के साथ में कहाँ है ना मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर कहाँ पहुंच गई, जूनागढ़ के छत्र महल और डिग महल, जूनागढ़ के छत्र महल और डिग महल, ठीक है। आगे देखो अगला हम लोग एक ट्रिक बच्चों यहाँ पर देखने जा रहे हैं, किसके लिए, आगे वाले जो हमारे है ना जो पर्यटन स्थल है, आगे वाले पर्यटन स्थल के लिए हम लोग यहाँ पर जो एक ट्रिक देख रहे हैं, उस ट्रिक में हम लोग कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम लोग ध्यान रख रहे हैं, दो भाई है, ठीक है, एक भाई का नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध और जगमोहन, अनिरुद्ध और कौन से, जगमोहन, ये दो कौन है, भाई है, ठीक है, अनिरुद्ध और जगमोहन, ठीक है, जादू करके, जादू करके है ना शेर, शेर के ऊपर सवार होकर या शेर पर सवार होकर, शेर पर सवार होकर, शेर पर सवार होकर, किस पर सवार होकर बच्चों, शेर पर सवार होकर नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, कौन सा किला, नाहरगढ़ का किला घूमने गए, नाहरगढ़ का किला घूमने गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो ये हो गए आपका, एक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का महल, एक जगनमोहन महल, ठीक है, और जादू से याद रख लेंगे जंतर मंतर, जंतर मंतर, ठीक है, मंत्र वगैरह से तो जादू टोना करते, तो जादू से याद रख लेंगे जंतर मंतर, ठीक है, शेर पर मतलब शेरगढ़ का किला,
कहाँ घूमने गए? नाहरगढ़ का किला, शेरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, जंतर मंतर, अनिरुद्ध महल और जगमोहन महल, अनिरुद्ध महल और जगमोहन महल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्या क्या देखा हम लोगों ने? अनिरुद्ध और जगमोहन दो भाई जादू करके, ठीक है, किस पर सवार हो गए? शेर पर। और कहाँ घूमने गए? नाहरगढ़ का किला। कहाँ गए घूमने? नाहरगढ़ का किला घूमने गए। ठीक है, नाहरगढ़ का किला घूमने गए। ठीक है, याद रख लो कि क्या क्या अभी तक राजस्थान में देखा। तो राजस्थान में देखा था पहले कि ढाई दिन मेहनत करके, किस अवस्था में? किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके विजय स्तंभ पालेंगे या विजय पालेंगे, और कहाँ जाएंगे? फतेह सागर और अन्ना सागर घूमने जाएंगे। ठीक है, रानी अपनी सहेलियों के साथ में मूसी रानी की छतरी के नीचे छुपकर कहाँ पहुँच गई? जूनागढ़ के छत्र महल और डिग महल, छत्र महल और डिग महल पहुँच गई। अनिरुद्ध और जगमोहन दोनों भाई जादू टोना करके शेर पे सवार होकर कहाँ पहुँच गए? नाहरगढ़ के किला पहुँच गए, नाहरगढ़ के किला। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखें, अगला राजस्थान में हम फिर से जा रहे हैं। तो राजस्थान में जब हम लोग पहुँचेंगे, तो राजस्थान में अब हमने क्या बोला? भारत में उम्मीद है ना, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? भारत में उम्मीद है, उम्मीद है ना, आज आज हवा महल के, है ना, महल का नाम है हवा महल, हवा महल के एक स्थान है जिस पे, जहाँ पर बैठते, जहाँ बैठ के सुख मिलता है, उसका नाम है सुख निवास। हवा महल के सुख निवास से, हवा महल के सुख निवास से क्या दिखाई देगा? हवा महल के सुख निवास से सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट क्या देगा? दिखाई देगा। कहाँ से दिखाई देगा, है ना, कहाँ से दिखाई देगा बच्चों? सुख निवास से, सुख निवास से। देखो क्या बोला हमने, है ना, भारत में आज उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि हवा महल के सुख निवास से, हवा महल है एक महल, उसमें हम एक जगह का मान, मान लीजिए एक जगह है, प्लेस है ना, जिसका नाम हमने रख दिया सुख निवास। ठीक है, और वहाँ बैठे हम विंडो के पास में, और उस विंडो से हम उम्मीद लगा रहे, क्या उम्मीद लगा रहे कि आज हमें क्या दिखेगा? यहाँ से सनसेट पॉइंट दिखेगा। क्या दिखेगा? सनसेट पॉइंट दिखेगा। तो हमने क्या बोला? भारत में आज उम्मीद है हवा महल के सुख निवास से, हवा महल के सुख निवास से क्या दिखाई देगा? सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो भारत से हम लोग याद रख लेंगे भरतपुर का किला। ठीक है, भारत से क्या याद रख लिया? भरतपुर का किला, है ना, उम्मेद से उम्मेद भवन, है ना, उम्मीद से क्या याद रख लेंगे? उम्मेद भवन। ठीक है, हवा महल से हवा महल याद रह जाएगा। ठीक है, सुख निवास से सुख निवास याद रह जाएगा, और सनसेट पॉइंट से सनसेट पॉइंट है। ठीक है, सेंटेंस का अरेंजमेंट कर लोगे बच्चों बहुत आसानी से। क्या? आज उम्मीद है, उम्मीद से उम्मीद याद रख लेना, आज उम्मीद है कि हवा महल के सुख निवास से क्या दिखाई देगा? सनसेट पॉइंट दिखाई देगा, सनसेट पॉइंट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखे कि राजस्थान के जो हम लोगों ने पर्यटन स्थल देखे वो कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के सबसे पहले हमने पर्यटन स्थल में देखा, तो हम लोगों को मिला था कौन सा महल, है ना, किशोर अवस्था में हम लोग चले थे सबसे पहले, किशोर अवस्था में ढाई दिन मेहनत करके विजय स्तंभ पा लिए थे, है ना। तो सबसे पहले विजय स्तंभ, है ना, विजय स्तंभ कब पाया था? जब हमने ढाई दिन मेहनत किया था, मतलब ढाई दिन का झोपड़ा, अजमेर राजस्थान, कुतुबुद्दीन ऐबक, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, महाराणा कुंभा। ठीक है, राजस्थान में ये भी। फिर देखो नेक्स्ट अगला किशोर सागर, है ना, मेहनत कब की थी हमने? किशोर अवस्था में। कितने दिन की थी? ढाई दिन की थी। क्या पाया था? विजय स्तंभ पाया था। कहाँ गए थे? अन्ना सागर और फतेह सागर गए थे। ठीक है, तो किशोर सागर और अन्ना सागर घूमने गए थे। फिर है ना, बूंद बूंद करके पिछोला झील भरेगी, बूंद बूंद करके पिछोला झील भरेगी, बूंद बूंद करके क्या भरेगी? पिछोला झील, है ना। तो बूंदी का किला भी कहाँ पर है ना? राजस्थान में। और पिछोला झील भी कहाँ पर है? उदयनगर या उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, फिर दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान में। फिर मेहरगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में, मेहरगढ़। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ राजस्थान में, है ना। मूसी रानी की छतरी अलवर राजस्थान में, फतेह सागर उदयपुर। ठीक है, फतेह सागर, और उसके पहले हम लोग देख कर अन्ना सागर, अन्ना सागर के अलावा हम क्या देख रहा है? किशोर सागर। ठीक है, फिर जयसमंद झील, जयसमंद राजसमंद, ये सारे झील भी कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान में है।
फिनेश देखिए, डिग महल, छत्र महल, सहेलियों की बाड़ी और जूनागढ़ का किला, ये भी कहाँ पर है बच्चों? सब राजस्थान में है। डिग महल राजा बदन सिंह, सहेलियों की बाड़ी महाराणा फतेह सिंह, रानी की बाड़ी रानी नाथवती, छत्र महल रानी छत्रसाल और जूनागढ़ का किला राजा जय सिंह। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो आगे, राजस्थान में शेरगढ़ का किला शेरशाह सूरी, अनिरुद्ध का महल राजा अनिरुद्ध सिंह, जंतर मंतर सवाई जय सिंह, है ना। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में सवाई जय सिंह, और जगमोहन का किला राजस्थान के कोटा में राजकुमार ब्रजकुमार के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। फिर नेक्स्ट देखिए अगला, भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में हवा महल महाराणा प्रताप, सुख निवास बूंदी राजस्थान में राजा बिशन सिंह, और उम्मेद भवन भी कहाँ पर है? महाराजा उम्मेद सिंह ने बनवाया, जोधपुर राजस्थान में, और सनसेट पॉइंट भी कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में। तो बच्चों आज हम लोगों ने तीन राज्य के पर्यटन स्थल देखे हैं, कौन कौन से तीन राज्य? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी कि भारत के तीन सबसे बड़े राज्य, राजस्थान सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा, महाराष्ट्र तीसरा बड़ा क्षेत्रफल में। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ नए राज्यों के पर्यटन स्थल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।